नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई सीरीज़ कंटेंट एंड वोकैबुलरी में स्वागत है। इस सीरीज़ का प्रमुख उद्देश्य है कि हम लोग जो आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके लिए दो चीज़ों की कमी पड़ती है, शब्दावली और विषय का महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उसकी। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपस की बातचीत के लिए बेहतर कंटेंट भी हमारे पास उपलब्ध रहे और वोकैबुलरी भी हमारी डेवलप हो पाए, ताकि अगर हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो हमें शब्दों की दिक्कत ना जाए और अंग्रेजी हिंदी दोनों में से किसी भी भाषा में किसी विषय विशेष पर बात करते हैं तो उस विषय विशेष पर हमारे पास तथ्य रहें, जानकारी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला आर्टिकल जो है द हिंदू से है, फॉर इंडिया द बुजवर्ड नाउ इज ऑल अलाइनमेंट। दोस्तों, हमारी जो विदेश नीति है वो हमेशा से नॉन अलाइनमेंट पर आधारित रही है। नॉन अलाइनमेंट अर्थात गुटनिरपेक्षता की नीति, और ये नीति आज़ादी के बाद से ही हमारे देश की घोषित नीति रही है। अभी भी इस नीति से घोषित रूप से कोई विचलन नहीं हुआ है, लेकिन जो विदेश नीति है और हमारे देश का की जो दिशा है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि अब हम नॉन अलाइनमेंट्स की जगह ऑल अलाइनमेंट के युग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस आर्टिकल में जो हमारा पहला शब्द है वो हमारे हेडलाइन में ही है, वो है बुजवर्ड। बुजवर्ड है अ वर्ड और फ्रेज स्पेशली वन कनेक्टेड विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट हैज़ बिकम फैशनेबल एंड पॉपुलर। मतलब किसी विषय से संबंधित लोकप्रिय या प्रचलित, और अगर अभी की राजनीति को देखते हुए प्रतिक्रिया करनी है तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज द न्यू बुजवर्ड ऑफ करंट पॉलिटिक्स, क्योंकि अब शिक्षा के ऊपर राजनीति का जोर आ रहा है। तो इस तरह से ये जो बुजवर्ड शब्द है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने आर्टिकल पर वापस आते हैं। ये आर्टिकल SCO संघाई कॉरपोरेशन समिट जो है उसको लेकर लिखा गया है। दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन समिट चीन के नेतृत्व में गठित हुआ था और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। रूस चीन ने शुरुआत की थी, वही मुख्य थे। इसके बाद अभी भारत पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो अभी इसकी जो समिट होने वाली है उसमें सम्मिलित होंगे। दोस्तों, ये समिट ऑल अलाइनमेंट किस तरह से दर्शाती है ये भी ध्यान देना ज़रूरी है, और नॉन अलाइनमेंट और ऑल अलाइनमेंट में अंतर क्या है ये देखना भी ज़रूरी है। नॉन अलाइनमेंट में हम किसी भी समूह में शामिल होने से बचते थे, जैसे पुराने ज़माने में एक वार्सा पैक्ट हुआ करता था रूस के नेतृत्व में, हम उसमें सम्मिलित नहीं हुए, नाटो या सीटो में भी सम्मिलित नहीं हुए, मतलब हम किसी भी ग्रुपिंग में शामिल होने से बचे, ये नॉन अलाइनमेंट था। आज के युग में हम देखें तो क्वाड नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और US हैं, हम उसके प्रथम और सबसे ज़रूरी सदस्यों में से एक हैं। दूसरी तरफ एक I2U2 इंडिया, इज़राइल, US, UAE, ये जो संगठन बना है इसमें भी हम लोग केंद्रीय भूमिका में हैं, तो ये हाँ हम लोग पश्चिम के साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम लोग SCO और ब्रिक्स, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो ब्रिक्स है उसके भी सबसे प्रमुख सदस्य हैं। तो अब हम दोनों तरफ को साध पा रहे हैं और दोनों के साथ जुड़ के चल रहे हैं, जबकि नॉन अलाइनमेंट की नीति दोनों से बचकर चलते हुए दोनों से सहयोग लेने की थी, और ऑल अलाइनमेंट की आज की जो हमारी नीति है वो दोनों पक्षों से जुड़कर दोनों से सहयोग करने की नीति है। और ये जो ऑल अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट है, इनकी जो तुलना है इसी के संदर्भ में हमारा दूसरा शब्द आ रहा है जो है जक्स्टापोजिशन। अगर हम जक्स्टापोजिशन को देखें तो जक्स्टापोजिशन है द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ प्लेसिंग टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड, ऑफन टू कंपेयर और कंट्रास्ट और टू क्रिएट एंड इंटरेस्टिंग इफेक्ट। और जो जक्स्टापोजिशन है वो एक साहित्य की भी डिवाइस है, और उसमें हम टू अनलाइक आइडियाज़ को आसपास रख के कंपेयर कर सकते हैं। जैसे साहित्य में अगर मुझे जक्स्टापोजिशन का उदाहरण देना हो तो मैं गोदान का उदाहरण दूंगा। गोदान में एक शहरी कथा है, एक ग्रामीण कथा है, और दोनों को जब हम आमने सामने रखते हैं तो शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन शैलियों की विद्रूपताएँ, कमियाँ, विशेषताएँ
उभर कर सामने आ जाती हैं। यही जक्स्टापोजिशन का उद्देश्य होता है। जक्स्टापोजिशन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं नाइट एंड डे, गुड एंड इविल, जस्टिस एंड रिवेंज, वॉर एंड पीस, ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी, वाइस एंड वर्च्यू, ये सारे जक्स्टापोजिशन के उदाहरण हैं। अगर वाक्य में जक्स्टापोजिशन को प्रयोग करना हो तो डिस्पाइट द कन्फ्यूजन ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ व्यू पॉइंट्स, वन पॉइंट इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द जक्स्टापोजिशन। मतलब जक्स्टापोजिशन से एक निष्कर्ष निकल आता है, कमियाँ अलग अलग दिख जाती हैं। साहित्य में जक्स्टापोजिशन का काफ़ी विशद अर्थ है, इस पर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। हम लोग अपने आर्टिकल पर वापस आते हैं। इसमें एक और शब्द प्रयोग हुआ है, SEO समिट। तो दोस्तों समिट में एक हमारा और शब्द आ गया है, समिट। समिट के दो अर्थ होते हैं, एक होता है द टॉप ऑफ माउंटेन, पर्वत शिखर, और दूसरा अर्थ होता है एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग और सीरीज ऑफ मीटिंग्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ टू और मोर कंट्रीज। तो ये दो अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन शब्द एक ही है और दोनों अर्थों में वो प्रयोग होता है। जैसे द माउंटेन रेंज हैज समिट्स ओवर 10,000 फीट, मतलब जो पर्वत श्रृंखला है उसमें 1,000 फीट की से भी अधिक ऊंचाई की चोटियां हैं। द क्लाइंबर्स फेल टू रीच द समिट, जो चढ़ने वाला है वो पर्वत शिखर तक पहुंचने में असफल रहा। ये पर्वत की चोटी के रूप में समिट शब्द के अर्थ हैं। दूसरी तरफ कुछ और अर्थ हैं, लीडर्स ऑफ सेवरल नेशंस अटेंडेड द इकोनॉमिक समिट, अ समिट ऑन ग्लोबल वार्मिंग वॉज हेल्ड दैट ईयर। तो दोस्तों ये तीन शब्द थे जो हमने इस आर्टिकल से लिए हैं, और ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है। आप लोग पढ़ना चाहें तो आपको वेबसाइट पर मिल भी जाएगा, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो दूसरा आर्टिकल है जिससे हमने दो और शब्द लिए हैं, वह है पार्ट ऑफ अ पैटर्न। पार्ट ऑफ अ पैटर्न में जो हमने सबसे पहला शब्द लिया है वो है रिवेंचिज्म। तो रिवेंचिज्म का अर्थ है अ पॉलिसी ऑफ सीकिंग टू रिटेलिएट स्पेशली टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरी। इसका मतलब है एक ऐसी नीति जिसके हिसाब से हम अपनी खोई हुई भूमि को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे हिटलर को है उसे रिवेंचलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि जर्मन भूमि है जो खो गई है, जिसे उसने प्राप्त करने की कोशिश की है। अभी जो पुतिन की नीतियां हैं उनके बारे में पश्चिम के लोग कहते हैं कि वो रिवेंचलिस्ट नीतियां हैं। पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक भूमि प्राप्त कर लें जिसे वो खोया हुआ मानते हैं। तो दोस्तों ये रिवेंचलिज्म का अर्थ है, रिवेंचलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल टू रिवर्स टेरिटोरियल लॉसेस इनकर्ड बाय अ कंट्री ऑफन फॉलोइंग अ वार और सोशल मूवमेंट। तो इसके अर्थ से हम समझ सकते हैं कि ये हाईली नेगेटिव शब्द है जो नेगेटिव रेफरेंस में यूज़ होता है। और शब्दों को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ पैटर्न आर्टिकल है ये अभी जो ज्ञानवापी मामले में निर्णय आया है उस निर्णय के संबंध में आर्टिकल है, और इसमें जो इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है, इस शब्द के प्रयोग से ही आप समझ सकते हैं कि जो कोर्ट का निर्णय आया है उस निर्णय से ये एडिटोरियल लिखने वाला जो भी व्यक्ति है वो सहमत नहीं रहा होगा। तो अपने को एडिटोरियल लिखने वाले व्यक्ति के विचारों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम अपने काम की चीज़ पकड़ लें, और हमारे काम की चीज़ थी ये शब्द। और इसमें जो सबसे काम की चीज़ है, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991। अगर आप ज्ञानवापी मुद्दे पर कभी भी कहीं भी चर्चा करते हैं तो ज़रूरी है कि आपने इस प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 को पढ़ रखा हो, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जितने भी धार्मिक स्थान थे सबकी स्थिति को फ्रीज कर दिया गया था, केवल अयोध्या को छोड़ के। मतलब जहाँ जिस धर्म की पूजा अर्चना होती है उसी धर्म की पूजा अर्चना होगी। मूल शब्द ये थे कि वो उस स्थल के नेचर को नहीं बदला जाएगा। तो अभी कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ज्ञानवापी मामले में क्योंकि दूसरा पक्ष नेचर बदलने की बात नहीं कर रहा है, केवल पूजा पाठ की अनुमति मांग रहा है, तो ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होता। एडिटोरियल इससे सहमत नहीं है, आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन हम चीज़ों को पढ़ समझ कर सहमत और असहमत हों वो होना ज़रूरी है। इसीलिए ये श्रृंखला भी शुरू की गई है, ताकि हमारे पास शब्द भी हों और शब्द के अनुकूल मटेरियल भी हो,
और इसी में एक और शब्द इन्होंने आगे प्रयुक्त किया है, वो है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का अर्थ होता है वेरी बैड, शॉकिंग, बहुत बुरा और घिनौना। जैसे हम लोग कह सकते हैं किलिंग इज एन एबोमिनेबल क्राइम, या वेदर इन दिल्ली इज एबोमिनेबल इन समर एंड विंटर, है ना, दिल्ली में गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों बहुत ही खतरनाक रूप से बेकार होती हैं। या अभी दतिया में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं टूडेज हैवी रेन मेड द वेदर एबोमिनेबल इन दतिया। तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। हमको कोई भी भाषा सीखनी है तो उसे हमें इसी तरह से पकड़ना पड़ेगा, यूसेज में पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये श्रृंखला शुरू की गई है ताकि हम शब्दों को उनके उपयोग के साथ पकड़ सकें। दोस्तों आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस भी है, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत के भाल पर चमकती है जो बिंदी, क्या बात है उस जुबान की, कहते हैं जिसको हिंदी। अंग्रेज़ी हम सभी को सीखनी है, लेकिन वो एक स्किल सेट के रूप में है, वो हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी के विकल्प के रूप में नहीं है। और हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि अंग्रेज़ी आज भले ही ग्लोबल लैंग्वेज के दर्जे पर बैठी हो, लेकिन वो हमेशा से ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है। आप में से कई लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 1200-1300 ईस्वी के आसपास तक अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज तो छोड़िए ब्रिटेन की भाषा भी नहीं थी। ब्रिटेन की जो राजभाषा थी वो फ्रेंच हुआ करती थी। ब्रिटेन का सारा शासकीय काम फ्रेंच में हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके अंग्रेजी ने उसका स्थान लिया। और अंग्रेजी बढ़ी तो इसलिए नहीं बढ़ी कि उस भाषा को धक्का दिया गया, वहाँ के लोगों का विकास हुआ। ब्रिटेन 2-3 शताब्दियों तक विश्व शक्ति बना रहा और उस विश्व शक्ति की भाषा विश्व में फैल गई और आज अमेरिका विश्व शक्ति है। अगर कहीं ब्रिटेन के पतन के बाद अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में नहीं उभरता तो निश्चित रूप से अंग्रेजी की स्थिति आज जितनी मजबूत है उतनी मजबूत नहीं होती। तो अगर हिंदी को हमें मजबूत बनाना है तो हमें खुद को भी मजबूत बनाना होगा, आगे बढ़ना होगा, ज्ञान के नए क्षेत्रों में जाना होगा। जैसे अभी आपने देखा जक्स्टापोजिशन और रिवेंचलिज्म, इन दो शब्दों का ठीक ठीक अर्थ हिंदी में अपने को नहीं मिला, नहीं मिला क्योंकि वो अंग्रेजी के शब्द हैं। ऐसे ही जब हिंदी के शब्द होते हैं तो हमको उनका ठीक ठीक अनुवाद अंग्रेजी में नहीं मिलता। बात यह है कि हम मटेरियल जनरेट किस भाषा में कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति, ज़्यादा से ज़्यादा शोध हिंदी में करें ताकि हमारी हिंदी भाषा मजबूत होगी। हिंदी भाषा अलग से मजबूत नहीं होगी, हिंदी भाषा हमारे साथ ही मजबूत होगी। तो हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः बधाइयाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।